आप देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं हूं विकल्प और आप देख रहे हैं CN24। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी से पहले मंगलवार की शाम को मेहंदी और संगीत की रस्म हुई। दोनों की शादी बेहद प्राइवेट रखी गई है। इस बात का खासा ध्यान रखा गया है कि शादी की कोई भी फोटो लीक ना होने पाए। सभी मेहमानों को फोन ले जाने की मनाही है। दोनों की शादी में ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया है, सिर्फ परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है। कुछ खास 30 से 40 गेस्ट को ही इस शादी में आने का न्योता दिया गया है। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनिल कपूर को शादी का इनविटेशन नहीं मिला है और इस वजह से वे बेहद नाराज हैं। आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर ने किसी भी बॉलीवुड स्टार को शादी के लिए इनविटेशन नहीं भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर और उनके परिवार को भी शादी में इनवाइट नहीं किया गया। आपको बता दें कि रणवीर सिंह के दादा और सोनम कपूर की नानी भाई बहन है। अनिल कपूर इस बात से खफा है कि कम से कम परिवार के सदस्यों को तो शादी में इन्वाइट कर लेना था। आपको याद दिला दें कि सोनम कपूर की शादी में रणवीर सिंह ने जमकर डांस किया था। उनकी डांस का ये वीडियो भी उसी वक्त वायरल भी हुआ था। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि सोनम कपूर को शादी के लिए इनवाइट किया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे दीपिका और रणवीर ने इटली जाने से पहले शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली को शादी के लिए इनविटेशन दे दिया था। दीपिका की शादी कोकड़ी रिवाजों से होनी है। शादी के वेन्यू विला को सफेद फूलों से सजाया गया है। ये फूल बेहद बेशकीमती हैं। तकरीबन 8000 फूलों से पूरे वेन्यू पर डेकोरेशन की गई है। रस्मों के अनुसार फूलों के रंग सफेद रखे गए हैं। 15 नवंबर को होने वाली शादी की रस्मों के लिए सजावट लाल रंग के फूलों से होगी। इसके लिए 12 फ्लोरिस्ट की टीम काम कर रही है। फूलों की सजावट का काम 16 घंटों तक चलने के बाद ये सजावट लगभग अब पूरी हो चुकी है। ऐसे ही बॉलीवुड की मजेदार खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारा जो नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें जरूर लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं CN24।